प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित लहर से लिया गया गीत नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। देखिए, इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, बीती विभावरी जागरी, विभावरी माने होता है रात, विभावरी माने क्या होता है रात, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर माने आकाश, पनघट नदी के किनारे बना हुआ घाट, उसे पनघट कहा जाता है, तारा घट तारा होता है घट घड़े के समान, उषा सवेरा प्रातःकाल, नागरी माने होते स्त्री, नागरी माने क्या होता है स्त्री। देखिए, बीती विभावरी जागरी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि रात व्यतीत हो गई है अब तुम जाग जाओ, रात व्यतीत हो गई है अब तुम जाग जाओ, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, ऊषा रूपी जो स्त्री है, ऊषा रूपी जो स्त्री है अर्थात सुबह प्रातःकाल, ऊषा रूपी जो स्त्री है वह तारा रूपी घरों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही, ऊषा रूपी जो स्त्री है वह तारा रूपी घरों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात तारे सब छुपे जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश रूपी पनघट में तारे डूबे जा रहे हैं, अर्थात तारे सब छुपे जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश रूपी पनघट में तारे डूबे जा रहे हैं। आगे देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल पक्षियों का समूह, कुल कुल यानी कलरव चहकना, किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय माने होता है नए पत्ते, किसलय माने नए पत्ते, लो यह लतिका भी भर लाई, लतिका माने शाखा, मधु मुकुल नवल रस गागरी, मधु माने शहद भी होता है मकरंद भी होता है, नवल माने नया रस, ना गागरी माने गागर में या घड़े में। देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा, पक्षियों का समूह चहक रहा है अर्थात पक्षी कलरव कर रहे हैं, पक्षियों का समूह चहक रहा है अर्थात पक्षी कलरव कर रहे हैं, किसलय का अंचल डोल रहा और नए पत्तों का अंचल हिल रहा है अर्थात नए पत्ते हिल रहे हैं, और नए पत्तों का अंचल हिल रहा है अर्थात नए पत्ते हिल रहे हैं, लो यह लतिका भी भर लाई मद मुकुल नवल रस गागरी, ये जो लताए हैं इन्होंने कलियों का रूप ले लिया, ये जो लताएं हैं इन्होंने कलियों का रूप ले लिया है और मकरंद रूपी रस से भर गई, और मकरंद रूपी रस से भर गई हैं। आगे देखिए, अधरों में राग अमंद लिए अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहाग लिए, अधर माने होता होठ, राग माने प्रेम और अमंद माने होता है मदिरा, अलक माने बाल, मलयज सुगंध और बिहाग माने होता है आलस। देखिए, अधरों में राग अमंद लिपिए, सखी कहती है कि तू अपने होठों से प्रेम की मदिरा को पिए हुए है, तू अपने होठों से प्रेम की मदिरा को पिए हुए है, अलकों में मलयज बंद किए और बालों में
सुगंध को बंद किए हुए है और बालों में सुगंध को बंद किए हुए है। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी, हे सखी तू अब तक अपनी आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। हे सखी तू अब तक अपनी आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रातःकाल हो गया है, पक्षी चहक रहे हैं, सभी जगह जागरण हो गया यानी सभी जग गए हैं, परंतु हे सखी तू अभी तक सो रही है, यह तेरे सोने का समय नहीं है, यह तेरे सोने का समय नहीं है, अब तुम जाग जाओ, तुम्हारा जागना ही उचित है। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही, सभी बच्चे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।